आज बात करने वाले हैं कि 1717 का टैमेन और गवर्नर कैसे बांधा जाता है, कैसे करीब फिट किया जाता है। तो देख सकते हैं मेरे हाथ में अभी ये प्लास्टिक का वार्शल है, एक तरफ ये सिंपल है, एक तरफ टेपर है। तो टेपर वाली साइड जो है हमारी वो अंदर की तरफ रहेगी क्रैंक में। इसके बाद ये दूसरा वार्शल है, इसको लगाना है। सावधानी से बैठा लें इसे। चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। सब्सक्राइब करने से हमारा जो भी वीडियो हम बनाएंगे आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। साथ में घंटी को दबाएं, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। देख सकते हैं हमने प्लेट लगा दी गवर्नर वाली। इसके बाद हम ग्रीस की मदद लेंगे, ग्रीस इसलिए लगा देंगे जिससे कि गोली हमारी जो है चिपक जाएंगी इसमें बॉल। देख सकते हैं इसमें चार बॉल लगती है, मैं चारों बॉलों को लगा देता हूँ। मैंने बॉलों को लगा दिया है, इस तरीके से ही बॉलों को लगाया जाएगा। इसके बाद इसमें एक कटोरी लगाई जाएगी, कटोरी को आराम से अच्छी तरीके से बैठा लें, पूरा बैठा लें एक पाइप की मदद से। मैं इस कटोरी को बैठा लूँगा। इसके बाद हम ये इस कटोरी को लगा देंगे, गवर्नर कटोरी को। करेंगे इसका टैमेंट कैसे बांधा जाता है, देख सकते हैं। इस गियर को हमें लगाना है, इसमें यहाँ पर एक निशान लगा होता है, देख सकते हैं निशानों के बीच में रखना है। कंपनी ने निशान लग कर रखे हैं, देखो बिंदु के, बिंदु को बिंदु से मिलाना है हमें। ठीक ऐसे ही बैलेंसर को भी मिलाना है, देख सकते हैं हमने बैलेंसर को अभी मिला रहे हैं, बैलेंसर को अभी मिला दिया है। देख सकते हैं बिल्कुल लेवल रहना चाहिए। इस तरीके से हमारा टाइमिंग बन चुका है, इसी तरीके से इसका टाइमिंग बांधा जाता है। पिस्टन है ये सीआर रैड, जिसे कनेक्टर रैड, कनेक्शन रैड बोलते हैं। ये किस तरीके से पिस्टन में लगाई जाती है वो आप हमें आपको बताएंगे। देख सकते हैं ब्रास में ये मक्खी बनी हुई है, ये पिस्टन के किस साइड में रखा जाएगा इसलिए बताएंगे। पिस्टन हमारा जो है ऐसा लगेगा, पिस्टन ये हमारा जो ये वाला कम वाला साइड है सिर वाला वो आगे की तरफ रहेगा हैंड बेल्ट की तरफ, और ये वाला साइड है जो टंकी तरफ रहेगा नोजल की तरफ। तो फर्स्ट रेट हमारा जो है मक्खी वाला साइड है, इंजन के बैटरी साइड रहेगा, बैटरी की साइड। अरे हाथ मोड़ देते हैं बना रहा है, चलो अब बताएंगे कि पिस्टन में रिंग इस तरीके से एंटर किए जाते हैं जिससे कि कंप्रेसर अच्छा रहे, ना ही मोइल उठाए। तो जानेंगे पहला जाता है हमारा ऑयलिंग। यहाँ देख सकते हैं आप पीले कलर का मार्कर लगा रखा है कंपनी ने, तो ये मार्कर को जस्ट ऐसे करके लगाएंगे। तो पिस्टन में हम देख लेते हैं पिस्टन में किस तरीके से लगाना है। अरे समरवाए तो ले, समरवाए रहे वही, देख सकते हैं इसमें लिखा है गोट्स, तो ये ऊपर की साइड रहेगा। देख सकते हैं पीला वाला कलर आ गया है हमारा,
बिल्कुल कैप मुंह के सामने इसका, फिर आ जाता है हमारा कंप्रेसर रिंग, इसको बीच में रखेंगे दूसरे नंबर पे, पहला नंबर ये हो गया, दूसरा ये हो गया हमारा, दूसरे नंबर लिखा है टॉप वोट स्टॉप, तो टॉप ऊपर रखेंगे ऐसे करके इसे, रह जाता है हमारा क्रोम रिंग, इससे भी लिखा है वोट्स टॉप, तो इसको सबसे ऊपर रखेंगे, इसे क्रोम रिंग होता ही है, यहाँ रखेंगे आग धुएं आ रहा धुआं, अरे तेल यहाँ दिखाओ। अब ये जानेंगे कि देख सकते हैं इसमें तीन रिंग लगा हुआ है, तीनों रंग का कट कहाँ रखना है, किस्म का रिंग का कट, तो हमारा जो पहला पहला ये वाला हमारा कट ये यहाँ आ जाएगा, ऑयलिंग वाला कंप्रेसर रिंग यहाँ पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे, ये आ गया है क्रोम रिंग, कंप्रेसर रिंग यहाँ पे आ गया है, ऑयलिंग यहाँ पे, इस तरीके से ही लगाएंगे पिस्टन को, इसी तरीके से कंपनी फिट करके देती है। तो अब पिस्टन ब्लॉक में कैसे लगाना है, ये हमारा पुशराइड वाला साइड है, पुशराइड वाला साइड, तो पिस्टन का हमारा जो कम साइज है, जो कम है नौ लीटर वाला साइड है, वो इस तरीके से लगाएंगे, इसमें रिंग क्लिप की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें कट लगा होता है कंपनी से, तो हम इसको ऐसे ही निकाल देंगे, देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बैठ गया, रिंग क्लिप की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आइना बोर्ड लगा के व्यू लगा के इसको इसमें ढाल देंगे, पाइप घुमा दो यार, पिछली फेरा भूल गए, यही बड़ी है।